उनको शहीदों का दर्जा नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे जो जवान जो आईटीबीपी में हैं, सीआरपीएफ में हैं या और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको कम से कम शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि शहीद हैं। तो इसलिए हम लोग ये भारत सरकार से, सभी लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि इनको दर्जा दिया जाए। देखिए, जहाँ देश के साथ खड़े हैं हम, सरकार के साथ खड़े हैं इस मसले को लेकर के, हम देश के आर्मी के साथ खड़े हैं, और हम तो कह रहे हैं कि भारी गुस्सा है लोगों के अंदर, और लोगों की जो भावनाएं हैं कि बदला लेना है, जिन हमारे जवानों का एक एक खून का लोगों को बदला लेना चाहिए, और ऐसी लोगों के अंदर भावना है, लोगों के अंदर गुस्सा है। अब सरकार और आर्मी किस रणनीति के तहत, जो भी संगठन हैं आतंकवादियों के या पाकिस्तान, लगातार अगर इस तरह की हरकतें करता रहेगा तो इसका कदम क्या उठाया जाए, इसके लिए सरकार निर्णय ले, और मेरे ख्याल से जल्द निर्णय ले, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एयरफोर्स बेस के अंदर घुस गए थे लोग, आज जो है पूरे काफिले को उड़ा दिया गया। मतलब इतना आरडीएक्स, इतने मात्रा में आरडीएक्स, मतलब आप समझिए कि काफिले में लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जिन लोगों ने, हमारे भाइयों ने जो कुर्बानी देने का काम किया है, उनको कम से कम, जिन्होंने देश के खिलाफ साजिश करने का काम किया है, उंगली उठाने का काम किया है, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। जैसे भी ये चाहें कि अब नियंत्रण रेखा पार होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इसका हिसाब होना चाहिए।